नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र खेमरिया श्री दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लाया हूं पूज्य दंदरहुआ सरकार महाराज जी की यह वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि नवरात्रि में किन माताओं की पूजा आराधना करने से क्या फल मिलता है। यह सारी जानकारी पूज्य दंदरहुआ सरकार महाराज जी के द्वारा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मंदिर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों की जानकारी के लिए हमारा नया चैनल भारत देव दर्शन को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं पूज्य दंदरहुआ सरकार प्रथम शैल पुत्री चे द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे ते कुष्ठमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंद माते ते खष्ट्यंगात्यायनी तिचे। हमारे यहाँ मनुष्य की जो उम्र है, जो आयु है, वो 100 वर्ष की है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के हिसाब से, ये दुर्गा सप्तशती के हिसाब से और देवी भागवत के पुराण के आधार से ये मनुष्य की आयु 108 वर्ष की है। तो 9 देवी हैं, 9 देवियों को 12 वर्ष बांटा है, तो 12 में 108 12 वर्ष बांट के 108 वर्ष की आयु होती है। तो प्रथम शैलपुत्री को 12 वर्ष दिए। शैलपुत्र की जो पूजा करेंगे, जो माताएँ बहनें पुरुष बच्चे बच्ची जो भी करेंगे, उनके लिए शैलपुत्री क्या करती हैं? शैलपुत्री प्रथम पुत्री हैं, उसको संस्कार भरती हैं, अच्छे संस्कार प्रकट करती हैं मनुष्य के अंदर। तो वास्तव में इनकी पूजा करने से आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे। दूसरी देवी जो है वो ब्रह्मचारिणी देवी हैं, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी क्या करती हैं? वो उनकी उनकी जो है 12 वर्ष 24 वर्ष तक उनका नंबर आता है, उनकी ड्यूटी है। तो 12 24 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करती हैं। किम भूषणम भूषणम शीलम तीर्थम परम किम सोनम विशुद्धम। ये सबसे बड़ा तीर्थ मन की शुद्धता होती है और भूषण अपना चरित्र होता है। तो वास्तव में चरित्र रखना बहुत जरूरी है। ये देवी जी साधा करती हैं इसमें, इसलिए चरित्रवान लोग रहते हैं। ये विशेष कृपा है देवी जी की। ये पूजा करते रहोगे तो वास्तव में ही देवी जी तुमको पूर्ण रूप से संयम आचार विचार खान पान अच्छा रखेंगे। इसलिए तीसरी देवी जो हैं चंद्र घंटे थे, तृतीय चंद्र घंटे जी क्या करती हैं? ये वर वधू मिलाती हैं, वर को वधू, वधू को वर। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, देवताओं की पूजा करने का ही विशेष फल मिलता है। अदंडा दंड माना है, दंडा दंड रचिता। देवता मनुष्य के दंडा लेकिन नहीं करते, बुद्धि बैठ करते हैं। इसलिए आप यहाँ खटका दबा दें, बल्ब वहाँ जलता है। ऐसे ही पूजा पाठ करेंगे, देवताओं से प्रार्थना करें, देवता तुम्हारी ऐसी वर्षा कर देंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वर के लिए वधू, वर अपने आप ही ऐसे ढंग से मिल जाएंगे, संस्कार वान ढंग मिल जाएंगे। इसलिए ये देवी चंद्र घंटे देवी की पूजा करने से ये फल प्राप्त होता है। चौथी देवी हैं कुष्ठमान देवी, तृतीय कुष्ठमान चतुर्थम चतुर्थ कुष्ठमान देवी। ये क्या करती हैं? कुष्ठमान देवी जो है, जब विवाह हो जाता है उसके बाद में बच्चे पैदा होते हैं, इनकी पूजा करने से बच्चे संस्कार वान उत्पन्न होते हैं, अच्छे संस्कार के, जो माता पिता के ऋणी होते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं हमेशा। अगर इनकी पूजा करते रहोगे तो अच्छे पुत्र, कहते नहीं है पहला सुख निरोई काया, दूसरा सुख घर में माया, फिर सुख संपद नारी, चौथा पुत्र पुत्राधिकारी, पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी होता है, चौथा सुख है। तो पुत्र को आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, तो माता पिता खुश होते हैं पुत्र की आज्ञा सुन करके। तो आज्ञाकारी पुत्र जब ही होता है कृष्णमान देवी की आज्ञा में चलता है, ऋणी पुत्र रहता है, कुछ भी कहते रहो वो आपके सामने बोल नहीं सकता, उसको काम करता रहता है। तो ये चौथी देवी का प्रसाद है चंद कृष्णमान देवी। पंचम स्कंद माते ते खष्ट्यम कात्यायनी तिचे। पंचम देवी जो है स्कंद माते देवी, वो क्या करती हैं? वो व्यवस्था करती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। अपन तो वैसे ही कुत्ता कैसी गाड़ी घर रखे हुए हैं, वैसे ही झूला टांगे हुए इधर उधर, जो वजन तो सब वही। घोड़े पे एक व्यक्ति बैठा था तो घोड़े को पसीना आने लगा, उसे परेशान पड़ने लगा, तो उसने लेकर के घोड़े के अपने कंधे में टांग लिए, लटका लिए। तो उसने कहा रहे कि, तो हमने पूछा जी अब कंधे भी क्यों लटका रहे हो, घोड़े वजन ज़्यादा है। तो उन्हें तुम तो घोड़े पर ही बैठे हो, वजन तो पूरा घोड़े पर ही रहा। तो ऐसे वैसे ही कंधे में झोले अटकाए हुए हैं। वास्तव में ही भगवान ही सब कुछ करते हैं और देवता ही सब कुछ करते हैं, इसलिए जो है, इसलिए देवताओं की कृपा है
स्कंदमान देवी रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करती हैं। स्कंदमान देवी रोटी कपड़ा मकान, ये रजोगुणी माया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं। खष्टम देव की देवी जो है वो कात्यायनी देवी है, वो कुल देवी हैं। वो कुल देवी जो है हमारे कुल की रक्षा करती हैं। बुढ़ापे में 60 वर्ष से 72 वर्ष तक इनकी ड्यूटी देती है। कई प्रकार के दर्द होते हैं शरीर में, तो ये दर्द को ठीक करती हैं और बुढ़ापे को ठीक करती हैं, बुढ़ापा सुधारती हैं, बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं पड़ता इनकी पूजा करने से। ऐसे 9 देवी काल पर्यंत तक रक्षा करती हैं। देवियों का बड़ा भारी कृपा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हम सभी श्रोताओं से, सभी विश्व के लोगों से, इस प्रकार से देवी जी कृपा हमेशा बनी रहे। ये 9 दुर्गा हैं, इसमें सभी लोग कोई एक समय भोजन करके करता है, कोई नरहार रहता है, कोई पानी पी कर तो लौंग खा करता है। तो सभी माताओं को, बहनों को और पुरुषों का हमारा विशेष आशीर्वाद है कि 9 दुर्गा हैं, बिल्कुल संयम से नियम से रह करके आचार विचार अच्छे रख करके खान पान अच्छा रह करके व्रत करें, इसका बहुत लाभ मिलता है। भगवान से प्रार्थना, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, भगवान कृपा करते रहें, कोरोना के रोग से ही बचते रहेंगे। ये कोरोना का रोग बड़ा भारी फैला हुआ है, इसकी जड़ी भयभीत हैं लोग, इस रोग से बचना है तो 9 दुर्गा में अच्छी तरह से व्रत करें, संयम से रहें।